Radhe 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 Sarva Papa Pranashnam Pranamo Duksam Nastam Namami Hari Param Krite Dhyayate Indra Kavach, jiska zikr Dev Puranon mein bhi milta hai. Ise punar sthapit karne ka shrey Rashtriya Sant Shri Radhe Radhe Babuji Maharaj ko jata hai. Param Pujya Shri Radhe Radhe Babuji Maharaj ne apne jeevan ka bahumulya samay ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं ताकि वो अपना जीवन सुखचैन के साथ जिए. राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया. परम पूज्य श्रद्धे श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है. प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट काल कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं. राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है. यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है. नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्व दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है. सवा करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है. जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल. इंद्र कवच. हफ्ते में एक दो बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे. चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़नछू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूँ. जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की. तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव, आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच. जी हाँ, यही है सच. ले आइए आज ही इंद्र कवच. जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है. माँ सरस्वती कृपा करती हैं. जिनको क्रोध बहुत आता है तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है. इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है. किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है. जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है. यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है. यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं. यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है. इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है. कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है. इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं. जी हाँ, यही है सच. धारण कीजिए इंद्र कवच. हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा. तो देखा आपने इंद्र कवच की महिमा, कैसे इंद्र कवच के प्रयोग ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है. जो लोग इंद्र कवच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने इंद्र कवच को धारण किया है,
सुख उनके जीवन में दस्तक दे चुका है और दुख बहुत दूर उन सभी के जीवन से खड़ा हुआ है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम को देख रहे हैं आप मंत्र विज्ञान में, और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। राधे राधे बाबूजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री कृष्ण कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन वंदन। परमपिता परमात्मा के मंत्रों की कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, साक्षात ईश्वर की कृपा का नाम ही मंत्र। मंत्र क्या है कि वांग्मी प्रतिमूर्ति परमपिता परमात्मा की, जिससे मेरे प्रभु कृपा करते हैं, समस्त देवता कृपा करते हैं। जिस भी देवता के लिए जो मंत्र उच्चारण किए करते हैं वही कृपा करने लगता है। मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जीने जाए परलोक सवारा। दर्शकों, ये मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है, 84 लाख योनि भोगने के उपरांत मिला है। ये ज्यादा से ज्यादा आनंदित रहने के लिए और दूसरे को सुख देने के लिए मिला है। चींटी के सामने हम चीनी डालें खाने लगेगी, नमक डाल दें मिर्च डाल दें नहीं खाएगी। जीव का स्वाद लेना तो चींटी भी जानती है। अगर हमने अपना जीवन खान पान में निकाल दिया, विषय भोगों में निकाल दिया, लड़ने झगड़ने में निकाल दिया, तो पशु पक्षियों से बढ़कर हमने कोई काम नहीं किया। मानव शरीर मिला है, परहित के लिए मिला है, दूसरे की सेवा के लिए मिला है, परमात्मा स्मरण करने के लिए मिला है, प्रभु की कृपा पाने के लिए मिला है। जो उसकी कृपा जब हो जाती है तो जीवन आनंदित हो जाता है। जा पर कृपा राम की हुई, वापे कृपा करें सब कोई, मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते थे। दर्शकों, हाथी के दांत के खिलौने भांति भांति के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे अति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, घेड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंक मन भाई है, कहीं कभी दयालिदास से हरि के भजन बिन, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई। मानव शरीर मिला है इसमें आनंदित रहना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मानव शरीर लेकर भी हम कहते हैं हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, गुरु जी परेशानी है, मोरे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। अगर जल के अंदर मछली कहने लगे मैं मुझे प्यास लगी हुई है, मैं प्यासी, कितने आश्चर्य की बात होगी। जल के अंदर ये मानव शरीर मिला है, सर्वश्रेष्ठ हीरा मिला है, 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ है, इसको लेकर भी आप दुखी हैं, दुख नहीं हो सकते। परमात्मा का अद्भुत नाम और नामों का सबका सार इंद्र कवच। अगर आप भजन नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूं। इंद्र कवच ऐसा कवच है, इसमें सवा करोड़ मंत्रों का तो समावेश ही है। 24 सालों से जो पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान ने संतों ने जो आशीर्वाद दिया है वो इसके अंदर समावेश है। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं, कैसी भी आपकी समस्या है हर समस्या को दूर करता है इंद्र कवच। जीवन में आनंद घोल देता है इंद्र कवच। परमपिता परमात्मा की कृपा बरसाने का सरल और सहज साधन है इंद्र कवच। इसके साथ ये अद्भुत जो पुस्तक देख रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क भेजी जाती है। दर्शकों, इसकी महिमा आप जान लें, ये क्या चीज है। चार युगों में सतयुग त्रेता द्वापर, चार युगों में भगवान 24 बार अवतार लेते हैं। वैसे तो भगवान के पल पल में अवतार हैं, क्षण क्षण में अवतार हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा की सत्ता ना हो, परंतु हमारे वेदों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार 24 अवतार होते हैं। और 24 अवतारों में जो कृपा मेरे प्रभु ने बांटी, जिस जिस जीव के ऊपर कृपा की, वो कृपा का सागर खजाना इसके अंदर है। इसके पाठ जिस घर में होता है मां लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं, कर से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना और तहां कुमित तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में देवताओं का वास होता है, प्रभु कृपा का वास होता है। इसके पाठ करने से मां लक्ष्मी कृपा करती है, सुख समृद्धि आती है। और ऐसा खजाना अपने दर्शकों को दे रहा हूं, अपनी बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को दे रहा हूं, ऐसा खजाना जो आपके पिता ने, आपके भाई ने, आपके संबंधियों ने भी नहीं दिया होगा। ये ऐसा खजाना है, जितना इसे लुटाते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है। सत की नाव खेवटिया, सतगुर कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खोवे ना खर्चे चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इंद्र कवच के साथ ऐसा खजाना। इसमें एक ही शर्त है, इसका नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, भोले बाबा कहते हैं माँ पार्वती को, हे उमा हे गौरा, हे पार्वती गोपनीय 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 प्रयत्न, इस रहस्य को छिपा कर रखो। जितना भोजन भजन स्त्री संग जितना मर्यादा में पर्दा में होता है, अंदर होता है, उतना ही उसका ज्यादा रहस्य बढ़ता है। ये खजाना प्रभु की कृपा हुई तो आपके घर तक जरूर पहुंचेगा। जी हाँ, इंद्र कवच स्वयं में ही एक बहुत बड़ा खजाना है, जो कि आप सभी की जिंदगी से दुखों और परेशानियों को दूर भगाता है। लेकिन इंद्र कवच के साथ आपको एक और खजाना मिल रहा है, जो कि आपके जीवन में सब सुख समृद्धियों के रास्ते खोल देगा। आपके जीवन की सभी परेशानियों का है हल
इंद्र कवच। जी हाँ, यही है सच। इंद्र कवच अपनाइए और अपनी जिंदगी में सुखों की दस्तक को लाइए। और दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि हमारे कार्यक्रम फोन इन लाइव कार्यक्रम है, यानी कि जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी बात होगी सीधा राधे राधे बाबू जी से, और आपकी जिंदगी की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसका सटीक उपाय आपको बताएंगे राधे राधे बाबू जी। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? राधे राधे जी। राधे राधे बहन, कहाँ से हैं आप? पंजाब से बोल रहे हैं हम। बोलिए। कुमार नाम है लड़के का जी। 29/11/75 है। 29/11 सुबह का जन्म, जिला जन्म स्थान। 29/11/75 टाइम बताइए। 6:35 सुबह का जन्म है, जालंधर जिले में। 6:35 शादी नहीं हो पा रही। सुबह का है सुबह का। जालंधर में हस्त नाम नक्षत्र कन्या राशि एकादशी शनिवार के दिन आपके बेटे का जन्म होता है। कुंडली के अनुसार मंगली के आपका बच्चा, पता है आपको? हाँ जी, सुबह का जन्म है। और मंगलिक भी है। हाँ जी, मंगली। और साथ में पितृदोष भी लगा है, राहु द्वादश भाव में बैठा है। ड्रिंक तो नहीं करता बच्चा? हाँ जी। ड्रिंक तो नहीं करता, पीता तो नहीं है? हाँ जी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी पी लेता है? अच्छा। हेलो, वैष्णव है तो देखो भगवान बड़ी कृपा। राहु जी, जी जी जी, अच्छी बात है, क्योंकि अति उत्तम। हाँ हाँ, फिर अच्छी बात है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। राहु द्वादश भाव में बैठे हैं, केतु नीच का होकर बैठा है, मंगलिक के कारण थोड़े रुकावट के योग बने हुए हैं। भगवान कृपा करें, एक मंत्र का जाप आप किया करें, इससे बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय गुरु की दशा चल रही है और जिसमें शादी के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। एक मंत्र लिख सकती हैं आप? हेलो, हेलो। हाँ देखिए, इसके लिए मैं मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र है इसको, ओम क्लीं माधवाय नमे, ओम क्लीं माधवाय नमे, ओम क्लीं माधवाय नमे। मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और त्रयोदशी के दिन शिव मंदिर में जाना है। आप चली जाएं, माँ हैं आप जाएं, और वहाँ पर श्रृंगार का सामान लेकर जाना है माँ पार्वती के लिए। माँ पार्वती की पूजा करनी है और वहाँ पर बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। मोर मनोरथ जाने हुनी के बसे हूँ सदा और पुर सभी के। मोर मनोरथ जाने हुनी के बसे हूँ सदा और पुर सभी के। इस मंत्र का 108 बार जाप हर त्रयोदशी के दिन आप करना प्रारंभ कर दें। 7 त्रयोदशी का ये उपाय जब करेंगी तो देखना, प्रभु की कृपा हुई तो बहुत ही जल्दी आपके बच्चे के शादी के योग बनेंगे। आपके बच्चे का शुभ अंक बनता है 3। 3 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। भगवान विष्णु इनके इष्ट बनते हैं। क्रीम कलर इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। बहुत बहुत बधाई हो, भगवान कृपा करें जल्दी से जल्दी आपके बच्चे की शादी हो। जी, और अगले दर्शक है हमारे साथ उस वक्त फोन लाइन पर, अब उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम हरीश भट्ट। भट्ट जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नैनीताल, रामनगर नैनीताल से बोल रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए। राधे राधे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी जी, बोलिए। पंडित जी, गुरु जी, जो है प्रणाम आपको। जो है मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ, जो है कमर को जो है चलने फिरने में काफी दिक्कत हो रही है जी। पहले मैं काफी चलता रहा, इधर जो है काफी तकलीफ हो रही है जी। तो मैंने कहा आपके दर्शन कर लिए आपसे, जो है हाँ मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? 28 अक्टूबर 1964 समय बता दीजिए। सायंकाल 5:15 सायंकाल। कहाँ का जन्म है? रामनगर नैनीताल। यूपी था ये, तो हाँ, अश्लेषा नाम नक्षत्र गणमूलों का आपका जन्म है। आपकी कुंडली के अनुसार क्या करते हैं आप? मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ गुरुजी। अच्छा। देखिए, भगवान कृपा करें, ये आपका जो सूर्य थोड़ा नीच का होकर बैठा है, हड्डियों में प्रॉब्लम देता है। क्या कहाँ परेशानी रहती है आपको? हाँ, देखिए, हड्डियों की परेशानी का योग ज्यादा बनता है। और चंद्र की इस समय दशा चल रही है, अब सूर्य आपका ऐसा हो और चंद्र की दशा चले तो और भी ज्यादा परेशानी के योग बनते हैं। तो इसमें आपको सूर्य भगवान को ही मजबूत करना होगा। सूर्य भगवान को थोड़ा सा जल में गुड़ डालकर, थोड़ा सा कुमकुम या हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल्दी आकर और एक मंत्र का जाप किया करें। ओम क्लीं भवन में मंत्र का जाप करेंगे, इससे बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। रविवार के दिन, संडे वाले दिन आप गुड़दान किया करें, इससे भी बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। और थोड़ा लाल कलर के
रेड कलर के थोड़े से आप कपड़ा पहना करें तो इससे भी लाभ की प्राप्ति होगी। हल्का रेड कलर भी पहन सकते हैं और जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कोई धार्मिक पुस्तक जरूर रखा करें और उसके दर्शन आप किया करें सुबह शाम, और हो सकता है पढ़ भी सकते हैं, तो इससे भी सूर्यदेव बड़े प्रसन्न होंगे और आपका जो दर्द है धीरे धीरे दूर होगा। साथ में एक मंत्र है, रंग रामायणमय रंग रामायणमय रंग रामायणमय, पानी का गिलास गंगा जल की दो चार बूंद डालकर 108 बार इस मंत्र को बोलकर उस जल को आप नियमित पीना प्रारंभ कर दें। ऐसा 2-3 महीने पियेंगे, इधर से कोई डॉक्टर की भी सलाह लेते रहें, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं धर्म और कर्म, दवा और दुआ दोनों ही कार्य करती हैं। करते कर्म करो भी दिनाना, मन राखो जा कृपा निदाना। इसलिए संसार की जो हमारी दवाई हैं, डॉक्टर हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी हमको लाभ लेना चाहिए और परमात्मा को भी साथ लेकर उसका आशीर्वाद लेकर भी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। तो प्रभु जरूर कृपा करेंगे। इधर थोड़ा वैद्यों को, डॉक्टर को भी किसी की सलाह जरूर लें, इधर से इस उपाय को करें, सने सने आपकी बीमारी दूर होने लगेगी। जी दर्शकों, दुख हम सभी के जिंदगी में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुख अगर हमारी जिंदगी में आ गए हैं तो वो स्थायी तौर पर ही रहें। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जरूरत है बस उपाय करने की। अगर वो उपाय आप ठीक प्रकार से करते हैं तो देखिए किस तरह से वो दुख आप सभी की जिंदगी से चले जाते हैं। कोशिश सिर्फ आपको ही करनी है। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं तो नंबर आप देख रहे हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपको कोशिश करने के तौर पर जो नंबर आपको दिया हुआ है फोन उठाइए, इस नंबर को डायल कीजिए, आपकी बात होगी सीधा राधे राधे बाबू जी से और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो उपाय आप कर सकते हैं जो कि आपकी जिंदगी से दुखों को दूर कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि आपकी जिंदगी में सभी दुखों का उपाय है इंद्र कवच। इंद्र कवच को अपनाइए और आपकी जिंदगी से समस्याओं को दूर भगाइए। राधे राधे बाबू जी, इंद्र कवच राशियों से किस तरह से अलग है? राशियों के साथ हम कहते हैं रत्न धारण करते हैं, लेकिन इंद्र कवच राशियों से परे है, कैसे आके? हाँ, देखिए इंद्र कवच का विशेषकर 12 राशियों को ध्यान में रखकर, नवग्रह जो हमारी कुंडली में होते हैं उनको ध्यान में रखकर, कुंडली के जितने भी दोष हैं उनको ध्यान में रखकर, किसी की कुंडली है या नहीं है, किसी राशि को पता है या नहीं है, ऐसी प्रकृति आकृति से इसको बनाया गया है, ऐसा इसमें समावेश किया गया है कि समस्त ग्रहों को शांत करता है, जो नीच के होते हैं उनको उच्च का करता है, जो अनिष्टकारी फल देने वाले होते हैं उन पर ऐसे अपना प्रभाव डालता है। इसमें 3 मुखी रुद्राक्ष है, ये कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, भोलेनाथ से कृपा लेता है और जीव को देता है। जैसे हम घर में टीवी चलाते हैं या तो केबल का सहारा लेते हैं या डिश टीवी वगैरह एंटीना वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, जैसे ही हमारी प्रोग्राम उस पर टच करते हैं तो वहाँ से लेकर हमारे टीवी तक आता है, ठीक वैसे ही है प्रभु की कृपा को लेकर और हमारे जीवन में ये संचरित करता है। समस्त हमारी जो जितनी भी ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, रसेंद्रिय हैं, सबको अपनी पावर पहुँचाता है, अपना प्रभाव पहुँचाता है और कष्टों से बचाता है। सबसे पहली बात तो ये कि शरीर की संपूर्ण रक्षा करता है। पहला सुख निरोगी का है, जब शरीर आपका स्वस्थ है तभी आप कुछ कर सकते हैं, कुछ जा सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, और कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा, आपकी किस्मत बनेगा, इसलिए कर्म कोई मंगल में करता है। अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती हैं, शास्त्रों में कहा है हित अनहित सबके और रही, यानी अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती हैं। किसी की अच्छाई ज़्यादा जागृत हो जाती है, किसी की बुराई जागृत हो जाती है। जिसकी अच्छाई जागृत हो जाती है वो अच्छे लोग बन जाते हैं, जिसकी बुराई जागृत हो जाती है वो बुरे लोग बन जाते हैं। इसलिए इंद्र कवच क्या करता है, बुराइयों को शांत कर देता है, अच्छाइयों को जागृत करता है और जीवन में आनंद की प्राप्ति करता है। मैं तो चाहता हूं कि एक बार इस शक्ति को जाने, अजमाए, पहने और जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। जी, और इस वक्त अगले कॉलर है हमारे साथ, अब उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो जी, आपका नाम? धरित्री, ओडिशा से बात कर रहा है। बोलिए बोलिए बहन, बोलिए। धरित्री गायत्री बोलिए। राधे राधे जी। राधे राधे बाबू जी, बोलिए जी। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1995 रात को 1 बजे। 31 हेलो 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1995 रात को 1:01 पर जी बड़ी जगन्नाथ जी की कृपा हुई है। रात को 1:01 पर AM कहाँ का जन्म है जी? जन्म कहाँ का, डिस्ट्रिक्ट बताइए, जिला? कटक। कटक कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा। क्या जानना चाहती हैं बहन? जी जी जी, जगन्नाथ जी के दर्शन कब के किए हैं? जगन्नाथ जी के दर्शन कब के किए हैं? जगन्नाथ भगवान के दर्शन कब के किए हैं? कब गए थे दर्शन करने लास्ट बार? दो साल जी।
हाँ देखिए मैं बता देता हूँ, आपके बच्चे का पूर्ण रूप से मंगलिक दोष है, ग्रहण दोष लगा हुआ है, आंशिक काल सर्वदेश की छाया, चंद्रमा अष्टम भाव में नीच के होकर बैठे हैं। इसमें क्या होता है कि मन भ्रमित रहता है बच्चे का, शरारत की शरारतों में ज़्यादा यानी गलत संगत के इसमें योग बनते हैं, पेट में प्रॉब्लम के आगे चल के योग बनेंगे। गुरु सूर्य मंगल इनके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ये भी ऐसा योग बना हुआ है जो परेशानियों को देता है, परेशानियों का कारक है। तो इसमें क्या करें कि आपको एक मंत्र का जाप करना है, मंत्र आप लिख सकते हैं ओम क्लीं चंद्रो नमे, ओम क्लीं चंद्रो नमे, ओम क्लीं चंद्रो नमे मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। शंकर भगवान की इसमें पूजा की जाती है, भोलेनाथ की आप पूजा करें, हो सकता है सोमवार के सोमवार पंचामृत से अभिषेक किया करें, दूध दही शहद गंगाजल और घी पंचामृत से अभिषेक किया करें। कि स्तुति आती है रामचरितमानस में, बहुत ही अच्छी स्तुति है जिसको रुद्राष्टक कहते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्मेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाका श्वासम अजेयम निराकार मूंकार मूलम तुरीयम गिराग्यात गोतीत मीतम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोम। इस स्थिति को आप पाठ किया करें, बच्चा गलत संगत से बचेगा। और मैं तो ये सलाह दूंगा, थोड़ा सा अगर आप खर्च कर सकें तो बच्चे को आप इंद्र कवच पहनाएं, विशेषकर कालसर दोष के लिए, चंडाल दोष के लिए, समस्त नवग्रहों को शांत करने के लिए और कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने के लिए इंद्र कवच है। संस्था से आप मंगाकर सोमवार के दिन कच्चे दूध गंगा जल में धोकर बच्चे को धारण करा सकते हैं। बच्चा धारण नहीं करता उसके बिस्तर के नीचे रख सकते हैं, सोने वाले कमरे में रख सकते हैं और फिर देखना बच्चे में क्या बदलाव आता है। बच्चा ठीक वैसे हो जाएगा जैसे मेरे प्रभु चाहते थे, प्रभु कहते थे प्रातः काल उठके रघुनाथा मात पिता गुरु नावी माता। माता पिता के चरणों में समस्त देवताओं का वास होता है, माता पिता के आशीर्वाद से हमारे समस्त ग्रह शांत होते हैं। तो हर जीव को चाहिए माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद ले। चार पदार्थ करतल ताके प्रिय पिता मात प्राण समझा के शास्त्र कहते हैं, जो माता पिताओं को, बुजुर्गों को, संतों को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को जो प्राणों से भी ज्यादा सम्मान करते हैं, यश कीर्ति मोक्ष धन लक्ष्मी उनके हाथों में रहती है और सदैव सदैव प्रभु की कृपा बरसती रहती है। बहुत बहुत अपनी बहन को बधाई हो जी। और अगले दर्शक भी हैं हमारे साथ, मनीषा जी हैं दिल्ली से। मनीषा जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी मनीषा जी।, जी जी मनीषा जी बोलिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। हेलो 12 मई 1996। मनीषा जी आपके टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए ताकि आपको सवाल पूछने में आसानी हो। टाइम बोलिए मनीषा जी। 96। कितने बजे हुई थी आप समय टाइम? हेलो मनीषा जी आपके टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगी सवाल पूछने में और हमें जवाब देने में भी आसानी होगी। आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम है। हाँ बोलिए बोलिए, समय बताइए टाइम। हमें क्या नाम है, सुबह दो बजे। मम्मी नहीं है आपके पास में? नहीं। मम्मी कहाँ गई हैं? शादी हो रही है, मैं तो ससुराल में हूँ अपने। अब मैं ससुराल से बोल रही हैं? हाँ जी। हाँ कहाँ का जन्म हुआ है आपका? ताबड़ू। हाँ ताबड़ू, ये हरियाणा में जो है सोना के पास। हाँ ताबड़ू। तो 96 का जन्म है आपका। हाँ। और शादी भी हो गई। क्या जानना चाहती हैं बताओ? क्या नाम है? हाँ हूँ। हाँ बहन क्या जानना चाहती हैं ये बताएंगी कुछ आप? क्या कह रहे हो? कुछ बताएंगी, क्या जानना चाह रही हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ क्या नाम है, मेरे यहाँ से इतना कलेश होता है मेरे साथ। अच्छा कलेश होता है घर में? हाँ। सासू लड़ती है या पियाजी लड़ते हैं? मेरी सास जी नहीं है, ससुर जी। अच्छा ससुर लड़ते हैं। सेवा करनी चाहिए ससुर जी की, सासू जी की, पति की सेवा करनी चाहिए, लड़ेंगे क्यों? सेवा करते हूं। फिर भी लड़ते हैं? हाँ। देखिए कुंडली तो आपकी बहुत ही अच्छी है, आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छे योग बने हैं जो सेवा करने का योग बना हुआ है, अच्छे गृहस्थी होने के योग बने हुए हैं, बच्चे के दो बेटा एक बेटी का योग बना हुआ है। अभी बच्चा हुआ नहीं हुआ? हुआ था, खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, देखिए एक मंत्र का जाप किया करें। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप एक मंत्र लिखें ओम क्लीं गोकलेंद्रो नमे, ओम क्लीं गोकलेंद्रो नमे मंत्र का जाप किया करें।
जब खाना बनाया करें रसोई में तो एक मंत्र का जाप किया करें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये समस्त बहन जो हमारी दर्शक जो देख रहे हैं, भाई जो देख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ काम करते समय, और किचन में तो रसोई में तो विशेषकर इस मंत्र का जाप किया करें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसका प्रभाव खाना बनाते बनाते खाने पर पड़ेगा और खाने का प्रभाव खाने वाले पर पड़ेगा, जो क्रोध भी करते हैं गुस्सा भी करते हैं इसके मंत्र के प्रभाव से। घर में सुख समृद्धि आती है, पूरे परिवार का माहौल मंगलमय बन जाता है, शांति स्थापित होती है। नाम संकीर्तन में ऐसे है, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। और बहन देखिए तो अच्छी बात है, सास ससुर तो लड़ते ही अच्छे लगते हैं, जिनके सास ससुर ज़्यादा लड़ते हैं वो बहुत बड़े भाग्यशाली कहलाती हैं, उनका जीवन मंगलमय बनता है। एते धर्म अधिक नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़कर तो कोई धर्म ही नहीं है, ये तो कुछ भी कहें, इनकी तो गाली भी सफलता देती हैं हमको, इनकी गाली भी आनंद देती हैं, ये तो बड़ा सौभाग्य है जिनको सास ससुर की सेवा का मौका मिलता है, गालियों का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये तो आपके जीवन में आनंद भर देंगी, एक ना एक दिन आनंद भर देंगी जी। और लगातार सभी दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं और अगले दर्शक भी हमारे साथ हैं बल्लभगढ़ से। जी आपका नाम? जी मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ बल्लभगढ़ से। शिव कुमार जी कहाँ रहते हैं बल्लभगढ़ में? तो हम ही रहते हैं। हाँ जी ये मैं भाटिया कॉलोनी से बोल रहा हूँ जी। अच्छा भाटिया कॉलोनी से? हाँ जी। चावला कॉलोनी में, श्याम कॉलोनी में हमारा आश्रम है, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी पता है। 100 फुट रोड पर? हाँ जी पता है। बांके बिहारी बरका धाम आश्रम? हाँ जी सर पता है। हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मुझे अपनी नौकरी के बारे में जानना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1987 है। टाइम 6:55 शाम का। 6:55 शाम का। कहाँ का जन्म है? ये बल्लभगढ़ का है। बल्लभगढ़ का जन्म है। नाम क्या बताया आपने अपना? शिव कुमार। शिव कुमार जी क्या जानना चाहते हैं नौकरी से संबंधित? हेलो हेलो हाँ जी क्या जानना चाहते हैं आप? ये जी नौकरी के बारे में जानना था। देखिए इसमें मैं बताता हूँ, आपके काम का वैसे अच्छा योग बनता है, राहु में राहु चला हुआ है, थोड़ा सा अभी मई तक 18 मई तक आप टेंशन में ज़्यादा रहेंगे, उसके बाद बहुत ही अच्छा योग प्रारंभ हो जाएगा, राहु में गुरु प्रारंभ हो जाएंगे जो आपको अच्छी नौकरी का योग बनाएंगे। और हो सकता है तो अपना काम करें तो काम से संबंधित आपका बहुत ही अच्छा योग बनता है, अपना बिजनेस करने का आपका योग बनता है। नौकरी भी करना चाहते हैं तो एक मंत्र का जाप आप जरूर किया करें, ओम क्लीं प्रवीणे नमे, ओम क्लीं प्रवीणे नमे, ओम क्लीं प्रवीणे नमे मंत्र का जाप किया करें, लाभ की प्राप्ति होगी। शिव मंदिर में जाकर कच्चा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध जल में मिलाकर थोड़ा सा उसमें मीठा डालकर शिवजी महाराज को सवेरे सवेरे रोजीना स्नान करा के आया करें, तो इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आसन बिछाकर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, आपकी राहु की दशा भी शांत होगी, भोलेनाथ की कृपा मिलेगी और बहुत ही जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। समस्त देवताओं में सबसे पहले प्रसन्न होने वाले देव मेरे भोलेनाथ हैं, ऐसा आप करेंगे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और जीवन में आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आपको बताया राधे राधे बाबू जी ने कि आप उपाय तो कीजिए लेकिन साथ ही साथ आपको कर्म करने हैं, भगवान का नाम लेना है और सभी समस्याओं से आप चाहते हैं अगर छुटकारा तो इंद्र कवच को अपनाइए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। राधे राधे बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे 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 राधे।